Good morning, class 4. Hope you all are fine and safe. Today we will read our chapter 10, The Emperor's Tin Castle. Tin Castle मतलब टीन का महल. टीन देखा होगा ना, लोहे का होता है. हाँ, तो टीन के महल के बारे में आज हम पढ़ेंगे. So, let's start. Dorothy loves adventures. Adventures मतलब क्या होता है? Unusual activities. मतलब डेंजरस एक्टिविटीज, ठीक है, जो आप अक्सर नहीं करते हो, कभी कभी करते हो, भयानक चीजें करते हो, मतलब रिस्क लेके करते हो, आपको उससे एक्सपीरियंस मिलता है या कोई ट्रिप, उसे एडवेंचर्स कहते हैं. ठीक है, जो अनयूजुअल नहीं होती, ठीक है, जनरली नहीं होती वैसी, जैसे आप किसी कहीं घूमने गए हो, कोई रॉकी जगह पे, कोई ऐसा गार्डन जो पहले के टाइम का हो, लाइक दिस. ओके, सो तो जो डॉर्थी थी उसे एडवेंचर्स पे जाना अच्छा लगता था. शी ट्रेवल्स फ्रॉम बटरफील्ड टू द मैजिकल लैंड ऑफ ओजेड. ऐसी ही जगह पर वो कहां से, बटरफील्ड से मैजिकल एक जोन था, मैजिकल लैंड था, ठीक है, जादुई जगह थी ओजेड, वहां जाना चाहती थी. ऑन द वे शी मेक्स न्यू फ्रेंड्स. रास्ते में उसके बहुत सारे नए दोस्त बने. द शैगी मैन बटन राइट हु इज लिटिल बॉय हु लुक्स ब्राइट लाइक अ बटन. मतलब एक शैगी मैन बना उसका दोस्त, गंदा. शैगी मीन्स थोड़ा गंदा, जो टाइडी नहीं रहता, गंदे कपड़े पहनता है. और बटन ब्राइट मीन्स एक ऐसा लड़का जिसकी की आंखें बहुत शाइन कर रही थी. द रेनबो डॉटर्स एंड मिस्टर टिकटॉक हु हैज टू बी बुंड अप लाइक अ क्लॉक टू बी एबल टू टॉक एंड थिंक. मतलब एक रेनबो डॉटर बनी कलरफुल सी, और दूसरे टिकटॉक आदमी बना जो कि घड़ी की तरह था, ठीक है. डॉर्थी आस्क देम, डॉर्थी ने उन्हें क्या बोला कि मेरे साथ चलो, विद हर एंड टुगेदर दे मेक देयर वे, मेरे साथ चलो. फिर उन्होंने साथ में ही चलना शुरू किया टूवर्ड्स द इमरल्ड सिटी, उस सिटी की तरफ, ठीक है. ऑन देयर जर्नी, उस जर्नी के दौरान दे पास थ्रू विंकी कंट्री. फिर वो अपनी जर्नी के दौरान कहाँ रुके, विंकी कंट्री में रुके. द टीन वुडमैन इज एम्परर ऑफ द विंकीज. और विंकीज जो जगह थी उसका राजा कौन था, टीन वुडमैन, ठीक है, टीन वुडमैन था. ही लिव्स इन अ लार्ज टीन कैसल. वो एक टीन के महल में रहता था. आगे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है. द एम्परर ऑफ द विंकीज वॉज अ वंडरफुल पर्सन मेड ऑफ टीन. मतलब जो राजा था वो बहुत ही वंडरफुल अच्छा आदमी था जो कि टीन का बना हुआ था. एवरी वन लव्ड हिम एंड ही लव्ड एवरी वन. राज्य के सभी लोग उसे प्यार करते थे और वो सबको प्यार करता था. ही लिव्ड इन अ टीन कैसल विच हैड अ प्रीटी गार्डन. वो टीन के महल में रहता था जिसमें बहुत सुंदर प्रीटी गार्डन था, जिसमें कि कलरफुल फ्लावर बेड्स थे, कलरफुल फ्लावर्स थे, फाउंटेन फुआरे थे, एंड टीन स्टेच्यूज ऑफ हिज फ्रेंड. और उसमें क्या था, टीन के बहुत सारे पुतले थे उसके दोस्तों के. वेन डॉरथी एंड हर फ्रेंड्स विजिटेड टू द टीन कैसल. जब डॉरथी और उसके फ्रेंड्स कहाँ गए, उस महल के अंदर घुसे, शी वॉज एस्टोनॉइड मतलब एनॉइस्ड मतलब वो चौक गई, एकदम शॉक में हो गई. क्यों, शॉक्ड एंड डिलाइट, एकदम उसे शॉक लग गया. क्यों, टू फाइंड अ टीन स्टैच्यू ऑफ हरसेल्फ इन द गार्डन. उसने देखा उसका और उसके दोस्तों का क्या बना हुआ है, टीन की स्टैच्यू बनी हुई है वहां पर. डॉर्थी ने देखा इसलिए वो शॉक्ड हो गई. फिर क्या हुआ, ओ हाउ वंडरफुल शी आस्क्ड, शी सेड, सॉरी, हाउ वंडरफुल शी सेड, लुक दे हैव मेड अ स्टैच्यू ऑफ मी. वो कहती अरे इन लोगों ने तो मेरा स्टैच्यू बनाया है, मेरी मूर्ति बनाई है. एज दे रीच द ग्रैंड टीन एंट्रेंस टू द टीन कैसल, द टीन वुडमैन केम रनिंग आउट टू ग्रीट हिज गेस्ट. जैसे वो महल के अंदर एंटर करने लगे, वो और उसके फ्रेंड्स, एकदम जो राजा था वो उनका वेलकम करने आया. कहीं ऐसा होता है कि राजा खुद आता है, नहीं, पर वो खुद आया. ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ गेस्ट, फाउंड मतलब उसकी जो राजा थी वो बहुत ज्यादा गेस्ट को प्यार करता था, इच्छा रखता था कि गेस्ट उसके घर आए. द टीन वुडमैन वॉज
प्राउड टू हिज टिन कैसल एंड शोड हिज विजिटर्स थ्रू ऑल द रूम्स। मतलब जो टीन वुडमैन था उसे बहुत घमंड था, मतलब बहुत प्राउड फील करता था, घमंड फील करता था, मतलब अच्छा फील करता था अपने उस टीन के महल को देखकर। और विजिटर्स जितने लोग घूमने आते थे उन्हें हर एक कमरे में ले जाता था घुमाने दिखाने। एवरी बिट ऑफ फर्नीचर वॉज मेड ऑफ ब्राइटली पॉलिश्ड टीन। मतलब जितना भी इसमें फर्नीचर रखा था, जितना भी सामान उसके महल में था, सब टीन का बना हुआ था। टेबल, चेयर्स, बेड्स, इवन द फ्लोर एंड द वॉल्स वर मेड ऑफ टीन। इवन द फ्लोर मतलब जो नीचे जमीन थी, फ्लोर और जो छत थी वो भी, और जो दीवारें थी वो भी सब टीन की बनी हुई थी। आई सपोज सेड ही दैट द विंकीज आर द क्लेवरेस्ट टीन स्मिथ्स इन द वर्ल्ड। टीन स्मिथ्स मतलब जो टीन बनाने का काम करते हैं। तो वो कहता है कि आई सपोज उसने सोचा, डॉर्थी ने सेड ही कि जो विंकीज हैं, जो जगह थी उसमें बहुत सारे टीन बनाने वाले रहते हैं, मतलब वर्ल्ड के, दुनिया के सबसे अच्छे, क्लेवरेस्ट, चलाक और अच्छे। यहाँ चलाक से मतलब ज्यादा दिमाग के लोग, अच्छे दिमाग के लोग, टीन स्मिथ जो टीन बनाना जानते हो दुनिया के, वो वहां रहते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे टीन बनाने वाले वहां रहते हैं। इट वुड बी हार्ड टू मैच हिज कैसल वुडंट इट लिटिल डॉर्थी। मतलब ऐसा महल उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था। वेरी हार्ड शी रिप्लाइड। वो कहती है कि हाँ, मैंने आज तक ऐसा महल कहीं नहीं देखा। इट मस्ट हैव अ कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी रिमार्क्ड डॉर्थी फ्रेंड द शैगी मैन। वो कहता है मतलब इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा होगा। जो डॉर्थी का फ्रेंड होता है शैगी, वो कहता है वी वुड बी नो बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इफ वी यूज्ड मनी टू बाय थिंग्स विद वो कहता है कि वी वुड बी नो बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इफ वी यूज्ड मनी टू बाय थिंग्स विद डिक्लेयर द टीन वुड। वो कहता है हमारे लिए पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, और हम मतलब वो जानते, दुनिया जानती है कि हम पैसों की कोई वैल्यू मतलब नहीं रखते हैं। फॉर्चुनेटली मनी इज नॉट नोन इन द लैंड ऑफ ओजर्ड। मतलब कहता है कि हमारा अच्छा भाग्य है कि हमारा जो लैंड है वो पैसों के लिए नहीं जाना जाता है। ठीक है, पैसों की कोई वैल्यू नहीं रखते। वैसे हम पैसों को सब कुछ, ज्यादा कुछ मानते हैं। सो वी हैव नो रिच नो पुअर। हमारे पास ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। इफ समवन विशेस फॉर समथिंग अदर्स ट्राई टू गिव इट टू हिम टू मेक हिम हैप्पी। अगर किसी की कोई इच्छा होती है किसी चीज की, तो दूसरे बंदे के पास अगर वो चीज होती है तो वो उसको देकर खुश कर देता है। नो वन इज ओजर्ड वॉन्ट्स मोर। और कोई भी लालची नहीं है ओजो में। ठीक है, देर इज लव एंड काइंडनेस। हर जगह प्यार और दयालुता है। वी वॉन्ट टू प्लीज वन अनदर। और हम एक दूसरे को खुश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो गुड क्राइड द शैगी मैन हैप्पीली। एकदम से जो शैगी मैन होता है वो चिल्लाता है कि अच्छी बात है कि आप पैसों को वैल्यू नहीं देते और यहाँ प्यार है सब में। द लैंड ऑफ ओजेड इज श्योरली द बेस्ट लैंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि हाँ, दुनिया में सबसे अच्छा लैंड ये है दुनिया का। एंड इट्स पीपल आर हैप्पीएस्ट पीपल। और दुनिया के जो सबसे खुश लोग हैं वो यहीं पर रहते हैं। आई वुड ऑलवेज लाइक टू लिव हेयर। जो शैगी होता है कि मैं भी यहीं पर हमेशा रहना चाहूंगा। एंड नाउ सेड द एम्परर यू मस्ट ऑल टू गो योर रूम एंड ड्रेस अप फॉर डिनर इन द ग्रैंड टीन डाइनिंग हॉल। वो कहता है राजा कि जाओ रेस्ट करो और जल्दी से तैयार होके आओ कहाँ, डाइनिंग रूम में, जो कि किसका बना है, टीन का बना है। एट डिनर डॉर्थी सेट एट द डिनर टेबल एंड एट हर फूड फ्रॉम अ टीन प्लेट। इवन सोचो वो महल ऐसा था, उसमें टेबल भी टीन की थी जैसे बताया, प्लेट्स भी टीन की थी, तो डॉर्थी ने उसमें खाना खाया। इनफैक्ट दे ऑल एट फ्रॉम टीन डिशेस। सबने ही टीन की प्लेट में खाना खाया। दैट शोन जस्ट लाइक सिल्वर, जो कि चांदी की तरह दिख रही थी, पर थी टीन की। ठीक है,
What pleased them most about the dinner was the teen orchestra that played sweet music. और सबसे अच्छी बात डिनर के टाइम डिनर के टेबल पे सबको क्या लगी कि वहां पर टीन ऑर्केस्ट्रा था. ऑर्केस्ट्रा मतलब गाने बजाने वाले लोग होते हैं ना, टीन के बने हुए थे. दैट प्लेड अ स्वीट म्यूजिक, उन्होंने बहुत सुंदर म्यूजिक बजाया. वाइल दे आर ईटिंग, खाते समय, द प्लेयर्स वर नॉट टीन, जो प्लेयर जो बजा रहे थे वो टीन के नहीं थे, जस्ट ऑर्डिनरी विंकीज, वो ऑर्डिनरी विंकीज ही थे, मतलब वहां के लोग थे विंकीज के. बट द इंस्ट्रूमेंट, पर वो जो इंस्ट्रूमेंट वो बजा रहे थे, दे प्लेड अपॉन वर ऑल टीन, वो इंस्ट्रूमेंट उनके टीन के बने थे. टीन का ट्रम्पलेट्स था, ट्रम्पलेट होता ना बजाने वाला, टीन के फिडल्स थे, टीन के ड्रम्स थे, फ्लूट, बांसुरी, हॉर्न्स, ये सब टीन के बने हुए थे. दे स्पेंड द इवनिंग टेलिंग स्टोरी, उन्होंने वहां पे इवनिंग कैसे बिताई, जो शाम थी वो कहानियां सुनकर सुनाकर. द टीन वुडमैन ऑफर्ड टू गो टू द इम्ब्रेंट सिटी. अब जो टीन जो राजा था उसने क्या बोला, ऑफर किया कि चलो मैं तुम्हें इमराल्ड सिटी घुमाकर लाता हूँ. मे आई कम विद यू, कैन आई बी हेल्प यू, ही आस्क्ड. और उसने बोला कि मैं क्या तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. यस दैट वुड बी वेरी गुड, सेड डॉर्थी, कि अगर आप राजा जी हमारे साथ आते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, डॉर्थी कहती है. शी वॉज हैप्पी टू हैव अनदर फ्रेंड ज्वाइन देम. अब डॉर्थी को और मजा आया कि उसके साथ एक दोस्त और जुड़ गया है, राजा जी जो जुड़े थे. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगले ही दिन, द टीन वुडमैन वेंट विद देम ब्राइटली पॉलिश्ड एंड स्पार्किंग इन द सनलाइट. मतलब जो वुडमैन था, जो राजा था, अगले दिन तैयार होके वाइट ब्राइटली पॉलिश्ड होके सुंदर सा बनके एकदम जो कहते ना चमक के आए हो वैसे बनके सनलाइट की तरह. ही एक्स हैड अ टीन ब्लेड एंड अ हैंडल वॉज कवर्ड. मतलब तलवार लेके, टीन की बनी हुई तलवार लेके जिसका कि हैंडल कवर था, विद कर्व्ड टीन शीट सेट विद डायमंड्स, जो कि डायमंड से सज रही थी, वो तलवार लेकर आया क्योंकि वो राजा था ना इसलिए. द विंकीज गैदर्ड नियर द कैसल, और जितने विंकीज के लोग थे वो सारे इकट्ठे हुए महल के पास, महल के गेट पर, टू चेयर देयर एम्परर, अपने राजा को चेयर करने के लिए, करते हैं ना खुश होते हैं जब राजा आते हैं, इनकरेज करने के लिए. एज ही मार्च्ड अवे, मार्च करते ना राजा के आसपास जो मंत्री होते हैं, जो सैनिक होते हैं, मार्च करते हैं वो. इट वॉज इजी टू सी दैट दे ऑल लव्ड हिम डियरली. अब यहाँ पर आसानी से वो देख सकते थे डॉर्थी और उसके फ्रेंड की कितना प्यार है सब में. द टीन वुडमैन डॉर्थी एंड ऑल हिज फ्रेंड्स मार्च ऑफ अलोंग द येलो ब्रिक रोड टूवर्ड्स द इमराल्ड सिटी टू मीट प्रिंसेस ओजोमा. ठीक है, फिर लास्ट में जो राजा थे, टीन वुडमैन, डॉर्थी और उसके फ्रेंड्स, उन्होंने भी सबको, जैसे कोई हमें इज्जत देता है तो हम भी उसको आगे से इज्जत देते हैं, मार्च किया उन्होंने भी. येलो ब्रिक रोड थी, पीली ईंट की सड़क थी, वहां पे मार्च करना, वहां से पैदल चले और कहां गए, एमरेड सिटी गए, वहां की रानी कौन थी, ओजोमा, उनसे मिलने गए. ओके, तो ये डॉर्थी का एडवेंचर था, वो एक ऐसी जगह गई थी जो कि पूरी टीम से बनी हुई थी. ओके, सो रीड दिस चैप्टर अगेन.